अगर आप भी हैं पंचायत के फैन तो आपके लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि सीरीज का एक और रोमांचक भरा सीजन जल्द ही आपको देखने मिल सकता है। दूसरे सीजन की अपार सफलता के बाद Amazon Prime Videos ने इस कहानी को आगे बढ़ाने का फैसला जो ले लिया है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी फेवरेट सीरीज से जुड़ी एक बेहद खास खबर। दरअसल देश की सबसे चर्चित वेब सीरीज में से एक पंचायत, उसके ऊपर एक नया सीजन आने वाला है। अब 2020 में OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime पर ये सीरीज रिलीज हुई थी और उसके बाद इंडियन ऑडियंस का इसने इस कदर से दिल जीता है कि हर कोई इसका दीवाना बन गया है। और अभी पिछले महीने यानी कि 18 मई को ही इसका सेकंड सीजन भी रिलीज किया गया था, जो दर्शकों को बेहद पसंद आया था। फुलेरा गांव की इस कहानी को इतनी ज्यादा लोकप्रियता मिल गई है कि हर कोई इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक बैठा है। और अब ऐसे में सचिव जी और रिंकी की लव स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती है, ये हमें देखने के लिए सीजन 3 का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे सीजन को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी जो मिली है। दोस्तों, दूसरे सीजन के एंड में दिखाया गया था कि ग्राम पंचायत के सचिव अभिषेक त्रिपाठी का दूसरी जगह ट्रांसफर होने वाला है, लेकिन अब आगे की स्टोरी क्या रहती है वो हमें सीजन 3 में पता चलेगा। और मीडिया में खबरें आ रही हैं कि Amazon Prime पंचायत की सफलता को देखते हुए इसका नेक्स्ट सीजन जल्द ही रिलीज करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले इसके तीसरे सीजन की योजना बनाई जा रही थी कि उसको 2024 में रिलीज किया जाए, लेकिन पॉपुलैरिटी को देखते हुए निर्माताओं से कहा गया है कि इसे जल्द ही 2023 में रिलीज कर दिया जाए ताकि लोगों को ज्यादा वेट ना करना पड़े। हालांकि Amazon Prime ने अभी इस बात की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन पॉपुलैरिटी देखते हुए लगता है कि ऑडियंस को ज्यादा टाइम तक वेट नहीं कराने वाले हैं निर्माता। इस शो में Amazon की दिलचस्पी का पता इस तरह से लगता है कि इसकी IMDb रेटिंग 8.9 की है और ये सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रेटेड शो में शामिल है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इस सीरीज के कुछ किरदार बदलते हुए नजर आएंगे, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हमारे सचिव जी यानी कि अभिषेक त्रिपाठी और फुलेरा गांव के ग्राम प्रधान मंजू देवी, उनके पति ब्रजभूषण दुबे और उनकी बेटी रिंकी किसी न किसी तरह से सीरीज में बने रहेंगे। दोस्तों, भाई इनको कैसे चेंज कर दे, क्योंकि ये तो मेन कैरेक्टर्स हैं, इन्हीं की वजह से तो ये सीरीज इतनी कामयाब रही है। दोस्तों, आपके साथ साथ हमें भी काफी इंतजार है इस सीरीज के थर्ड सीजन का, और साथ ही किस तरह से सचिव जी और रिंकी की लव स्टोरी आगे बढ़ती है ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।